निदहस टी20 ट्रॉफी के छठे बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण मुकाबले में तमीम इकबाल और महमूदुल्ला द्वारा 18 गेंदों में 3 छक्के और 2 छक्कों की मदद से खेली गई 43 रनों की पारी के दम पर श्रीलंका को 2 विकेट से बांग्लादेश ने मात दे दी। फाइनल में अब बांग्लादेश की टक्कर रविवार को भारत से होगी। बांग्लादेश ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों पर सीमित कर दिया। इसके बाद बांग्लादेशी टीम बल्लेबाजी करने आई और मुकाबला अंतिम ओवर तक गया। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 12 रनों की दरकार थी। इशरू उड़ाना ने आखिरी ओवर की पहली गेंद मुस्तफिजुर रहमान को फेंकी, लेकिन इस बाउंसर को रहमान खाली खेल गए। श्रीलंका ने रिव्यू लिया जो जाया चला गया। अगली गेंद भी बाउंसर थी और इस पर रन लेने के प्रयास में मुस्तफिजुर रहमान आउट हो गए। 4 गेंदों में अब 12 रन चाहिए थे। इस बीच बांग्लादेश के खिलाड़ियों का श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भी बात हो गया और शाकिब अंपायर से जिस तरह उलझने लगे, उसी दौरान उन्होंने अपनी टीम को वापस भी बुला लिया। हालांकि कोच खालिद महमूद ने बल्लेबाजों को वापस भेजा और अगली गेंद पर महमूदुल्ला ने चौका मार दिया। इसके बाद 2 रन लिए। बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 गेंदों में अब 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर महमूदुल्ला ने शानदार छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिला दी। आसानी से लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। उसने 11 के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट लेटनदास के रूप में खो दिया था। शब्बीर रहमान ने 13 रन बनाए। मुश्फिकुर रहीम और इकबाल ने टीम को संभाला और मैच में बनाए रखा। रहीम 97 के कुल स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद तमीम और सौम्य सरकार के विकेट गिर जाने से बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन हो गया था। तमीम ने 42 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। यहां से महमूदुल्ला ने कमान संभाली और टीम को फाइनल में पहुंचाया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।